फरुखाबाद में दबंगों का कहर एक रेस्टोरेंट मालिक पर उस वक्त टूट पड़ा जब उसने खाने के पैसे मांग लिए। हैरानी की बात तो ये है कि मारपीट करने वाले और कोई नहीं प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। दरअसल फतेहगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित भीमसेन नाम के व्यक्ति का रेस्टोरेंट है। देर रात भाजपा का झंडा लगी गाड़ी से कुछ लोग रेस्टोरेंट पहुंचे। खाना खाने के बाद जब उनसे होटल मालिक ने पैसे मांगे तो होटल मालिक पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते मारपीट इतनी बढ़ गई कि पिता और पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को गंभीर हालत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चार लोग थे, दो दिन से हमें परेशान कर रहे हैं, दारू वारू पीते हैं और वे लोग, हमने एक नया होटल खोला बदील साहब ने और उसके अंदर कल समर तोड़ दिया, सरकारी समर है, उसमें हमने वो डलवा रखा था, तो मैंने आज फिर 700 रुपये लगा के पैप लगाया सर। फिर उन लोगों ने कल गिलास मांगे तो मैंने सर मेरे पास कांच के गिलास हैं। किस बात को लेकर गिलास मांगे? ऐसे ही मानते पीते खाते हैं इसलिए। मेरे आप ही हो कोई हो, नाम पता है उन लोगों किसी के? एक दुर्गेश नाम है उसने किया और जो लोग कटिहार हैं उन्होंने जय श्याम और लोग पूरे कटिहार हैं, तीन चार लोग उन्हें पूरी कबलियाँ थी कैसे ये मेरा 7-8 लाख रुपए लगा पूरी नौकरी का, वो लोग सोचते हैं कि ऐसे ये होटल छोड़ के भाग गया। अच्छा, आपके चोट लगी है, क्या मारा आपके? इन सर हेमर मारे थे फरसा। और आपके लड़के क्या मारे? इसके बाद में फरसा था मीट करने। अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने बताया कि मारपीट की FIR दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाम को दरअल रेस्टोरेंट उसमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट तोड़फोड़ काफ़ी की गई है। क्या सर पूरा मामला है, अभी तक मुकदमा दर्ज क्या कार्रवाई की गई है? देखिए ये थाना फतेहगढ़ पर एक FIR दर्ज हुई है जिसमें आरोप है कि रेस्टोरेंट मालिक के साथ मारपीट की गई जिससे उनको और उनके पुत्र को चोटें आई हैं। इस मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया है, पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेजा जाए। सर किसी के नाम दर्ज FIR भी है? जो जिन व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है उनका नाम है, हम विवेचना के बाद ये निर्धारित करेंगे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। सर एक मामला, ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। आरोपी अपनी कार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। मौके पर मौजूद आक्रोशित भीड़ ने कार में तोड़फोड़ कर दी। घायल पिता पुत्र को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब केसरी TV के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।